अपने मोबाइल से कैसे चेक करें गाड़ियों का लिस्ट कौन से ज़िले में नीलामी हो रहा है, यह जानकारी पाने के लिए आपको सिंपली अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पे जिस ज़िले का आपको लिस्ट देखना है उस ज़िले का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए गया ज़िला का देखना है तो गया यहाँ पे सिर्फ गया आपको लिखना है और डॉट लिखना है। उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ इस तरह से पेज आपको खुल के दिखाई देगा और यहाँ पे गया का जो वेबसाइट है गया डिस्ट्रिक्ट वो ओपन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे गया का ज़िले का जो वेबसाइट है वो आपके सामने खुल के इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आप जो बड़ा वाला थ्री डॉट राइट साइड में जो दिखाई दे रहा है इस पर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे देखिएगा नोटिस, नोटिस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दो जगह गाड़ियों का लिस्ट रहता है, एक अनाउंसमेंट जहाँ लिखा हुआ है पब्लिक नोटिस वहाँ पे और एक टेंडर जो है वहाँ पे। तो दोनों जगह में आप चेक कर सकते हैं, कहीं पे भी हो सकता है। तो पहले टेंडर में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा जो भी पीडीएफ रहता है जहाँ का नीलामी हो वहाँ का। तो टेंडर में अभी यहाँ पे व्हीकल ऑक्शन का नहीं आ रहा है तो हम फिर वापस वहाँ पे जाएंगे और नोटिस पे क्लिक करेंगे और अनाउंसमेंट एंड पब्लिक नोटिस पे यहाँ क्लिक करेंगे। तो जो भी गाड़ियों का यहाँ पे देखिए आ गया नोटिस फॉर पब्लिक ऑक्शन फॉर सीज एंड व्हीकल 2023। इसमें दो पीडीएफ है, एक ये जारी किया गया है उसका है और ये 2 MB का जो है ये पीडीएफ है। सिंपली इस पीडीएफ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड करेंगे इसको और इसको ओपन कर लेना है। ओपन जैसे कीजिएगा यहाँ पे लिस्ट आपको दिखाई दे देगा गया ज़िले का। इसी तरह से आप किसी भी ज़िले का पीडीएफ बेहद आसानी से घर बैठे आप अपने मोबाइल से निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी गाड़ी कितने बजट की है और आप चाहें तो वहाँ पे जाकर आवेदन को कर सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के बीच में। यह जानकारी कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। कोई राय सुझाव हो तब भी आप हमें कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए जानकारी एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग रखें अपना खूब सारा ख्याल। नमस्कार।